देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब पिछली बार उनकी मन की बात का जो कार्यक्रम था, तो उन्होंने पूरी देश की जनता को एक आह्वान किया था कि 15 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा है, एक अभियान चलाने का उन्होंने सबसे निवेदन किया था। हमारी पार्टी ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने 17 तारीख को इस बात का निर्धारित किया कि 17 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन भी है, तो इस दिन हम 3 प्रकार के कार्यक्रम लेंगे। एक तो स्वच्छता ही सेवा है, इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से जहां पूरे राजस्थान प्रदेश में हम जहां जहां अस्पताल हैं, जहां पर विद्यालय हैं, जहां पर धार्मिक स्थल हैं, जहां पर बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, ऐसे जो सार्वजनिक स्थल हैं, उनके आसपास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जन के सहयोग से एक स्वच्छता अभियान चलाएगा। 17 तारीख को तो हम करेंगे, इसके बाद ये 2 अक्टूबर तक निरंतर चलेगा। इसके साथ साथ जितने भी हमारी गरीब बस्तियां हैं, उन गरीब बस्तियों में हम मेडिकल चेकअप कैंप लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो रहेंगे, इसके साथ साथ वहाँ पर जो सामाजिक संस्थाएँ हैं, जो सामाजिक क्लब हैं, उनको भी साथ लेकर के हम ये मेडिकल चेकअप कैंप लगाएंगे। और प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कम से कम 5 पौधे लगाएगा, और 5 पौधे लगाकर उस पौधे के साथ अपनी सेल्फी भी लेगा। ये 3 प्रकार के कार्यक्रम हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तय किए थे। उसी संदर्भ में आज मैं यहाँ पे बाड़मेर में आया हूँ। निश्चित रूप से चुनाव हमारा मिशन है, 2018 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा का चुनाव, ये दोनों मिशन हमारे सामने हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने हैं। और हमारी राजस्थान प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे ने मिशन 180 विधानसभा का और मिशन 25 लोकसभा चुनाव का कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बार दृढ़ संकल्प है कि हम पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश में बनाएंगे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से हम सरकार बनाएंगे, ये तय। देखिए, एक तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जो व्यक्ति या जो आदमी एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाता है, वो पुनः भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको मालूम है, उसने बड़ा सोच विचार के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, और उसको इस बात का भी आभास है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो राष्ट्र को मजबूत करेगा, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्र को परम वैभव तक लेकर जाने का काम करेगा। आज पूरे देश के लोगों का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है, कांग्रेस से निरंतर पूरे देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस हमेशा एक ही वायदा करती रही, हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, परंतु 55 वर्षों तक निरंतर कांग्रेस की सरकारें रही, चाहे वो केंद्र में रही हो, चाहे वो प्रदेश में रही हो, परंतु उसने गरीबी नहीं हटाई, गरीबी नहीं मिटाई, बल्कि भ्रष्टाचार के माध्यम से महंगाई को बढ़ाने का काम किया। आज हमारे केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, करीबन 3.5 वर्ष, 4.5 वर्ष हमारी सरकारों को हो गए। आज पहली बार देश का गरीब आदमी इस बात को महसूस करता है कि हमारा जीवन स्तर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बढ़ाया, हमारे राजस्थान प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने बढ़ाया। क्योंकि हमारी चाहे केंद्र सरकार की योजनाएँ हों, चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएँ हों, दोनों प्रकार की जो योजनाएँ हैं, वो गरीब को केंद्र बिंदु बना करके गरीब कल्याण की योजनाएँ हमने दी हैं। गरीब मुख्य धारा के साथ कैसे जोड़ा जाए, गरीब को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम हमारी सरकारों ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एक बार जुड़ जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ेगा। देखिए, नाराजगी तो अपने एक छोटा सा परिवार होता है, उसमें भी हो जाती है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। तो भारतीय जनता पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते, और जो मतभेद होते हैं उसको हम बैठ करके सुलझा लेते हैं। देखिए, यदि आप पूरा एक विश्लेषण करेंगे, आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, तो कांग्रेस की सरकार के समय जितने अपराध राजस्थान प्रदेश में थे, उसमें बहुत अधिक गिरावट भारतीय जनता पार्टी के राज में आई है। निश्चित रूप से आप यदि बाड़मेर की बात कह रहे हो, तो निश्चित रूप से बाड़मेर का ध्यान रखेंगे, बाड़मेर में
विशेष रूप से फोकस करेंगे और कहीं भी अपराध नहीं घटे इस बात की भारतीय जनता पार्टी पहले भी चिंता करती आई है, अब भी चिंता करेगी। तीन वर्ष के जो कार्यक्रम आए तब से लेके लगातार, चाहे वो तिरंगा यात्रा हो, चाहे वो दशा और दिशा आपके मार्गदर्शन में दी, चूंकि आज ये हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारे तीन कार्यक्रम, उनकी मूलभूत, उनका उद्देश्य है, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना। 11 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के आज प्रारंभिक सदस्य बने। राजस्थान प्रदेश में भी 80 लाख से अधिक भारतीय जनता पार्टी के प्रारंभिक सदस्य आप लोगों की मेहनत से। अशोक सरना भी हमारे बीच है और हम उनके दल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ स्वच्छ भारत आंदोलन पर है और हम यही उम्मीद करते हैं कि हम जल दृढ़ करते हैं कि जब भी दोबारा कभी भी बाहर आ जाओ यार, फोटो है।